रामायण पर तो कभी किसी मनुवाद या मनुस्मृति हजार साल के बाद जब आप 40 साल सत्ता में रहे हैं, देवगौड़ा गुजराल जी आपकी पार्टी में प्राइम मिनिस्टर थे, बीपी सिंह जी थे, आप लगातार रेल मंत्री रहे, आप सब कुछ रहे हैं, आप बदलते चले जाते। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं, उसका सम्मान होनी चाहिए। तुलसी जी जिन्होंने लिखा उनकी सम्मान होनी चाहिए। रामायण में जिन चीज़ों को दिखाया गया जो आस्था की चीज़ है, जरूरी है कि हम उस हमेशा आस्था पर हमला करें। गडकरी जी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं मुसलमान को, इस्लाम पर बात नहीं करते हैं, विचारधारा के अलावे दूसरी बात नहीं करते और लगातार काम कर रहे हैं तो आज दुनिया की नज़र में आए। जरूरी नहीं ना है कि हम दलितों के काम करने के लिए किसी ब्राह्मण भूमिहार राजपूत को गाली दें, आप ब्राह्मण के काम करने के लिए किसी जादव कोरी कुर्मी को गाली दें। आप डिमोरलाइज होते जा रहे हैं, मंत्रिमंडल डिमोरलाइज हो रहा है। यदि मंत्रिमंडल को कोई डिमोरलाइज करता है तो रिजाइन कर दीजिए। रामायण हो या महाभारत हो, कुरान हो, किसी भी चीजों पर विवाद नहीं होनी चाहिए। कोई चीज, कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह की बात करता है तो वो सही नहीं। बिहार की राजनीति में इन दिनों रामायण फिर से केंद्र बन गया है। लगातार शिक्षा मंत्री, राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामायण पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रामायण जो है वो फिर से केंद्र बन गया है बिहार की राजनीति में, पोटेशियम साइनाइड बताया गया है। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, हमारी जो जिम्मेदारी है और अपनी जो भूमिका है उसको तय करने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन में देखा गया है कि चाहे वो कोई पार्टी हो हिंदुस्तान में, हमेशा जियो और सोशियो सेंटीमेंट पर बात करते रहते हैं। मुख्य बातों से लोगों की ज़रूरत क्या है? लोगों की ज़रूरत है आर्थिक आज़ादी, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन जॉब, वन जस्टिस, वन इकोनॉमी, वन एम्प्लॉय, ठीक है। ज़रूरत है गरीबी ख़त्म करने की, ज़रूरत है बेरोज़गारी ख़त्म करने की, ज़रूरत है एक अच्छा एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन को देने की, ज़रूरत है बिना बोझ के बिहार के 14.5 करोड़ लोगों को एक हेल्थ सिस्टम देने की, एजुकेशन सिस्टम देने की, किसी मिडिल क्लास, कॉमन क्लास, कोई जाति धर्म वर्ग के लोग हों, किसी पर एजुकेशन का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। अब ये मुद्दा हमें समझ में नहीं आता है, जो लोगों के सरकार से जीविका से जुड़ा हुआ ना हो, रोजमर्रे की रूटीन नहीं, हमारी दिनचर्या क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, फाइव फंडामेंटल राइट है हमारी। हमारा बेसिक जो जीवन में मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास नहीं है, तो हम मिनिमम रिक्वायरमेंट पे बात करें। हम बीजेपी के तरह 1300 को 1100 गैस कलेक्शन करके और हमेशा मार्केटिंग करें चुनाव में हर चीज़ों को, तो ये नहीं चलता है। तो यदि जो लोग रामायण देखे, वो अलग पार्ट है, विज्ञान अध्यात्म सब पर चर्चा चल रही है। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं, उसका सम्मान होनी चाहिए। तुलसी जी जिन्होंने लिखा उनकी सम्मान होनी चाहिए। रामायण में जिन चीज़ों को दिखाया गया जो आस्था की चीज़ है, जरूरी है कि हम उस हमेशा आस्था पर हमला करें। जब वैचारिक बात हो तो अपनी बात रखना अलग है, लेकिन पोटैसेट सेनाइट है, ये है, वो है, महाभारत भी है, शिव भी है, बुद्ध भी है, इस्लाम भी है, नानक भी हैं, सभी लोग हैं। अब जब कृष्ण का काल था तब तो कोई जाति थी नहीं, जाति तो मध्यकालीन युग में विप्रों ने स्थापित कर दिया। अब विप्र का मतलब ब्राह्मणवाद या मनुवाद से है नहीं, विप्र का मतलब है बौद्धिक लोग। जिन बौद्धिक लोगों ने हजार साल के बाद भी आप इसी चीज़ों में फंसे रही है, हमको काम करने का मौका आप चैलेंज में लीजिए के पाठक को, जिस विभाग में के पाठक जी गए उसको सत्यानाश किए हैं,
और आप कैपेबल और एक अच्छे मंत्री लर्नेड आप पढ़े लिखे लोग हैं। गडकरी जी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं मुसलमान को, इस्लाम पर बात नहीं करते हैं, विचारधारा के अलावे दूसरी बात नहीं करते और लगातार काम कर रहे हैं, तो आज दुनिया की नज़र में आए ना। तो जौरी थोड़ी है कि हमेशा विवादास्पद बात बोला जाए। अटल जी ने कभी सिवाय हिंदुस्तान के लोगों के फालतू बात उन्होंने नहीं की। हर आदमी को अधिकार है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च अपनी राइट की बात करने की। ये बात क्या कर रहे हैं बार 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 रामायण पर, तो कभी किसी मनुवाद या मनुस्मृति, हजार साल के बाद जब आप 40 साल सत्ता में रहे हैं, देवगौड़ा गुजराल जी आपकी पार्टी में प्राइम मिनिस्टर थे, बीपी सिंह जी थे, आप लगातार रेल मंत्री रहे, आप सब कुछ रहे हैं, तो आप बदलते चले जाते। जाति जनगणना है, आरक्षण 67% 68% है, आप उस पर बात रखिए ना कि ऊंची जात के गरीब को भी आरक्षण मिले, 68% 67% ओबीसी दलित को भी मिले। ओबीसी के अधिकार को आप कटल मत करिए, दलित गरीब के अधिकार को कटल मत होने दीजिए, बैकलॉग जो है आपके स्कूल उसको कटल मत होने दीजिए। जरूरी नहीं ना है कि हम दलितों के काम करने के लिए किसी ब्राह्मण भूमिया राजपूत को गाली दें, आप ब्राह्मण के काम करने के लिए किसी जादव कोरी कुर्मी को गाली दें, दूसरे के धर्म को, किसी भी विचारधारा को सेव करने के लिए किसी दूसरे विचारधारा को गाली देना तो सही नहीं है। तो आप आज जिस विभाग में हैं आप सर्वोच्च हैं। लॉ कहता है मिनिस्ट्री गवर्नमेंट का कि कोई भी आईएएस आईपीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात कोई प्रवक्ता रखेगा या मिनिस्टर रखेंगे। लगातार ये सुर्खी में के पाठ, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, 38,000 स्टूडेंट है, 20 रूम है, 18,000 स्टूडेंट है, 18 रूम है, 1500 स्टूडेंट एक फैकल्टी में है, एक सब्जेक्ट में है, 1 प्रोफेसर है, कुछ है नहीं। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लीजिए ना, बना दीजिए, इतिहास कायम कर दीजिए, सभी जगह कर्पूरी छात्रावास बना दीजिए, अंबेडकर छात्रावास बना दीजिए, पटना में इतना छात्रावास बना दीजिए कि किसी को लॉज की जरूरत नहीं हो। मैं सलाह देता हूं, हमारे भाई हैं वो, कि विवाद से पर्सनैलिटी नहीं बढ़ती है। आपको आपके फेट ने आपको 2-2 बार मंत्रिमंडल का मौका दिया है, आप सर्वोच्च दिखा दीजिए मंत्रिमंडल का, सुपर पावर बनिए। और आप डिमोरलाइज होते जा रहे हैं, मंत्रिमंडल डिमोरलाइज हो रहा है। यदि मंत्रिमंडल को कोई डिमोरलाइज करता है तो रिजाइन कर दीजिए। मेरा मानना, रामायण हो या महाभारत हो, जैस कुरान हो, किसी भी चीजों पर विवाद नहीं होनी चाहिए। कोई चीज, कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह की बात करता है तो वो सही नहीं। आप नासा की बात रखिए, विज्ञान की बात रखिए, सेनाइट है ये सही नहीं, वो हमारे आस्था से जुड़ी हुई, मानो तो देव न तो पत्थर। आपको यदि यह विचारधारा अच्छा नहीं लगता तो आप कोई और विचारधारा, हमको भी बुद्ध अच्छा लगता है, हम आनंद मार्गी हैं, हम अंधविश्वास अडंबर कर्मकांड में काम नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। साधना पूजा आंतरिक चीज है ना, हो बाह्य चीज थोड़ी है, हर चीजों में ये सब्जेक्ट थोड़ी है, सब्जेक्ट है रोजगार, सब्जेक्ट है 8 लाख से हम निकालें इंटर कर, हमारे बिहार में मात्र 8 लाख हर साल इंटर करते हैं, सब्जेक्ट है आईटी कॉलेज कितना हो, प्रोफेसर कितना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज कितना हो, मेडिकल कॉलेज कितना हो। तो विषय को लीजिए और उसके हीरो बनिए।
मुद्दों को लीजिए, हीरो बनिए, इकोनॉमी पे बात करिए, बिहार के बाढ़ पर बात करिए, मखान पे बात करिए, मक्का पे बात करिए, आपका सब्जेक्ट आप चैलेंज कर दीजिए, लड़िए सिस्टम से, सिस्टम आपको चुनौती दे रहा है, यह कैसे होगा? इसीलिए मैं ऐसे चीजों को, जो आम आदमी किसी को भी कोई विचार ठेस पहुंचाता हो, उससे अपने को दूर रखने की जरूरत है।